हेलो फ्रेंड्स, नकुम इलेक्ट्रॉनिक में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हमारे पास ये इंडक्शन आया हुआ है जिसमें कस्टमर लेके आया तो ये बोल रहा था कि इसमें हीटिंग नहीं हो रहा है और एरर आ रहा है। तो इसमें देखेंगे कि इसमें फॉल्ट क्या है। इसमें थोड़ा सा छोटा सा फॉल्ट है, मगर ये समझना चाहिए, थोड़ा सा समझना चाहिए। ये देखो, यहाँ पर 1300 आ रहा है, ये जीरो भी आ रहा है, यहाँ पर कोई एरर भी नहीं है, ये सही है। मगर यहाँ से देखो, ये हमें वोल्टेज देखेंगे तो ये 290 वोल्ट दिखा रहा है हमको, मगर यहाँ पे हमारे पास 250 वोल्ट ऐसी है, मगर इसमें 290 दिखा रहा है। तो हम देखेंगे कि ये फॉल्ट हम सही कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 250 वोल्ट है ऐसी, मगर इसमें 290 दिखा रहा है, यानी कि 40 वोल्ट ज़्यादा दिखा रहा है। तो ये हम कैसे सही करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले इंडक्शन खोल लेंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। ऐसे ही नई नई जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे हमको ये 40 वोल्ट का डिफरेंस दिख रहा है, तो ये हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले इंडक्शन को खोल लेंगे और ये हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो ये हम सब स्क्रू यहाँ से निकाल लेते हैं और ये सर्किट को भी यहाँ से हम निकाल लेंगे, स्क्रू निकालेंगे और सर्किट को बाहर निकाल लेंगे। तो हमने ये सर्किट बाहर निकाल लिया। ये फॉल्ट हमारा किस वजह से आता है, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले ये हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के रेजिस्टेंस मिलते हैं। किसी किसी इंडक्शन में 3 रेजिस्टेंस होते हैं, किसी में 2 होते हैं, इसमें 2 है। यहाँ से हमारा मेन जो रेजिस्टेंस होता है ना, 270 के होता है, किसी में 330 के होता है। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको देखनी पड़ेगी। तो इसमें हमारा रेजिस्टेंस शायद 270 के का है, तो सबसे पहले हम इसको बाहर निकाल लेंगे और मल्टीमीटर से टेस्टिंग करेंगे। तो ये हमारा केस प्रॉब्लम सॉल्व होगा, उसके लिए हम रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लेंगे और फिर मल्टीमीटर से इसको हम टेस्टिंग भी करेंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। ऐसे ही नई नई जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तो हमने रेजिस्टेंस बाहर निकाल लिया है, अब हम मल्टीमीटर से इसको टेस्टिंग करेंगे। मल्टीमीटर को हम रेजिस्टेंस मोड में रख लेंगे और अब हम इसको टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड में रख लिया है, तो ये हमारा 270 के का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी बढ़ा देंगे तो ये हमारा शायद सही हो जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे हम 270 के की जगह 390 के या 470 के, यहाँ पे हम 390 के का रेजिस्टेंस ले लेते हैं, वो यहाँ पे लगाएंगे और फिर वोल्टेज देखेंगे कि हमारा कुछ डिफरेंस रहता है या नहीं रहता है। यहाँ पे हमने 390 के का रेजिस्टेंस ले लिया है, जो कि हमने ये 270 के की जगह लगाएंगे। यहाँ पे हमने 390 के 2 वोल्ट का रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ पे हम वो लगाएंगे। यहाँ पे हम, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। ऐसे नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को सोल्डरिंग कर लेंगे, जो कि हमारा 270 के का था, वो भी सही था, मगर इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। इसके नाम से ही हमारा फॉल्ट हो रहा है। यहाँ पे हमने 390 के का 2 वोल्ट में रेजिस्टेंस लगाया है। यहाँ पे आप 1 वोल्ट का भी लगा सकते हो, 2 वोल्ट का भी लगा सकते हो। यहाँ पे हमने 390 के 2 वोल्ट का रेजिस्टेंस लगाया है और सोल्डरिंग कर दिया है। अब हम टेस्टिंग करेंगे। तो हमारा ये
वोल्टेज सही हो जाता है या कुछ और भी फॉल्ट हो रहा है उसके लिए हम टेस्टिंग करेंगे। इसको थोड़ा सा फिटिंग करके वोल्टेज टेस्टिंग करेंगे। ये हमने फिटिंग कर दिया, अब हम एसी पावर देंगे। यहाँ से हम पावर चेक करेंगे तो ये हमारा 248-250 वोल्टेज के आसपास हो गया है। अब हम इसको फिटिंग करके मेन एसी और ये एसी का वोल्टेज टेस्टिंग करेंगे, ये सही हो जाता है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम ऑन कर दिया है, यहाँ पे 250 वोल्ट दिखा रहा है, यहाँ पे हमारे पास 250 वोल्ट ही है तो ये हमारा सही हो गया है। ये रेजिस्टेंस की फॉल्ट थी, थोड़ी सी वैल्यू बढ़ानी पड़ती है, इसके नाम से ये होता है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। ऐसे ही नई नई जानकारी आपको मिलती रहेंगी।